हरिपुर कोटी मींस मोटर मार्ग पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त में अभी तक दो व्यक्तियों की तलाश लगातार पुलिस द्वारा की जा रही थी, जिसमें लगातार कालसी पुलिस और विकास नगर पुलिस कोन पोंस नदी के किनारे रेस्क्यू चला रही थी। लगातार पुलिस द्वारा जारी रेस्क्यू में आज कालसी पुलिस को कामयाबी मिल गई और रेस्क्यू के दौरान इछड़ी बांध और डाक पत्थर बैराज से दो व्यक्तियों के शव बरामद हुए, जिनकी पहचान पुलिस के मुताबिक एक व्यक्ति थाना सहजपुर के अंतर्गत रहने वाले 15 दिन पूर्व मींस के नज़दीक टोंस नदी में नहाते समय एक व्यक्ति डूब गया था, जिसका शव आज इचाड़ी बांध पर बरामद किया गया। दूसरा व्यक्ति 4 दिन पूर्व छिपरों के समीप दुर्घटना में टोंस नदी में पानी के तेज बहाव के कारण लापता हो गया था, जिसका शव आज ही डाक पत्थर बैराज से बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार पंचनामा की कार्रवाई चल रही है, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। न्यूज फ्रीडम के लिए चक्राता से सुशील कुमार की रिपोर्ट। 20 तारीख को मीनस में सहसपुर थाना क्षेत्र का एक युवक नदी में नहाते समय डूब गया था, जिसकी आज इछाड़ी डैम पर इंटैक्ट से बॉडी बरामद हुई थी। इस संबंध में चूंकि हिमाचल क्षेत्र में वो बॉडी बरामद हुई थी, तो हिमाचल पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई करके कार्रवाई की गई है मौके पर। और इसके साथ साथ आज एक बॉडी डाक पत्थर बैराज पर मिली है, जो ये अभी 3-4 दिन पूर्व छिबरों के पास जो दुर्घटना हुई थी, उससे संबंधित जो चालक लापता हो गया था, वो उसकी शिनाख्त हो गई है और उसकी ही बॉडी है। परिजन मौके पर पहुंच गए हैं। इस संबंध में पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है।